गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और लाइक करना तो आपका बनता है इस वीडियो पे। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर जानेंगे सॉल्यूशन का मीनिंग। तो सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्चुअली सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट ओके प्लस सॉल्वेंट। मतलब स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जहां तक बात है सॉल्यूशन का स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, क्लियर है? और सॉल्यूशन बनाने के लिए ना होता है क्या कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली मिक्स्ड कर जाता है। मतलब एक बार जब सॉल्यूशन बन जाता है तो हम नहीं बता सकते हैं कहाँ पर सॉल्यूट है और कहाँ पर सॉल्वेंट है। इसलिए याद रखिएगा, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, जरा मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ये होगा स्टूडेंट, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एक्चुअली द साइज ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एक्चुअली स्टूडेंट, सॉल्यूट के पार्टिकल के जो साइज होते हैं ना सॉल्यूशन में, वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे द साइज ऑफ सॉल्यूट is less than 1 नैनोमीटर, ठीक है? तो स्टूडेंट, मेरे इस बात को याद रखना है आपको कि यहां पर जो सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, तो सॉल्यूट का साइज आपको 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या होगा? सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ये होगा कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखेंगे? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ओके। तो स्टूडेंट, एक चीज हम लोगों को याद रखना है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब एक बार जब हम लोग सॉल्यूशन को बना लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहां पर सॉल्यूट है कहां पे सॉल्वेंट है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, मींस यूनिफॉर्म ओके स्टूडेंट। तो जैसा आपने सुना कि जहां तक बात है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है कंपोजिशन। इट मींस व्हाट कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम कंपोजिशन होगा। मतलब एक बार अगर सॉल्यूशन बना लेंगे तो नहीं बता सकते कहां पर सॉल्यूट और कहां पर सॉल्वेंट ओके। अब हम लोग यहां पर आते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है इट्स कंपोनेंट कांट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। एक्चुअली जहां तक बात है सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का, इट मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे बुक में तो ये भी लिखा रहता है स्टूडेंट कि जहां तक बात है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है उन्हें हम लोग फिजिकल मेथड के मदद से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड कहने का मतलब हो गया फिल्ट्रेशन। यहां पर हम लोग उसको फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के का जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है। तो जब उसको फिल्ट्रेशन करेंगे ना, तो वो फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। एक्चुअली जहां तक बात है स्टूडेंट फिल्टर पेपर का, तो फिल्टर पेपर का जो पोर्स होता है ना, वो अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर का होता है, और यहां पर सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो और सॉल्यूशन को अगर पास करेंगे तो सॉल्यूट तो फिल्टर पेपर के पोर्स से पास कर जाएगा ना, तो फिल्ट्रेशन के मेथड से सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? इट इज स्टेबल। सॉल्यूशन आपको स्टेबल होते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार जब ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है और सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के इंटरमॉलिकुलर स्पेस में चले जाते हैं, तो सॉल्यूशन स्टेबल हो जाता है। एक्चुअली सॉल्यूट को जहां जाना था, इट मींस इंटरमॉलिकुलर स्पेस में, वहां तो सॉल्यूट जा चुका है, तो सॉल्यूशन आपको स्टेबल होगा। स्टेबल कहने का मतलब कि यहां पर जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा वो सॉल्वेंट में सस्पेंड नहीं करेगा कोलोइड की तरह, या बॉटम में सेटल डाउन नहीं करेगा,
सस्पेंशन की तरह सॉल्यूशन आपको स्टेबल होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आपने सुना होगा, जब वाइट लाइट को जब हम लोग पास कराते हैं कोलोइड से या सस्पेंशन से, तो वाइट लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है स्टूडेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो स्टेबल होता है, पार्टिकल तो मीडियम में सस्पेंड नहीं ना करता है कि वो लाइट को स्कैटर्ड कर दे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज डैट कि ये बीकर है, ओके और इस बीकर में ना मैंने ट्रू सॉल्यूशन बना लिया, ये बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या बनाया, ट्रू सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन तो स्टेबल होता है, मतलब पार्टिकल मीडियम में तो सस्पेंड नहीं करेगा, ना ही बॉटम में सेटल डाउन करेगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जा चुका होता है। ओके, तो अब देखिए, तो सॉल्यूट तो सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जा चुका होगा और सॉल्यूशन तो स्टेबल है, तो अब स्टूडेंट जब हम इसमें से व्हाइट लाइट पास करेंगे ना, तो क्या होगा कि व्हाइट लाइट पूरा का पूरा आर पार तो हो जाएगा, लेकिन लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट, व्हाइट लाइट आर पार हो गया। जहां तक बात है व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट तो आपको व्हाइट लाइट, तो आप स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हो कि व्हाइट लाइट सॉल्यूशन से पास तो किया, लेकिन लाइट का पाथ इस सॉल्यूशन में विजिबल नहीं हुआ। इसमें लाइट का पाथ तो हमको विजिबल नहीं दिख रहा है, तो जहां तक बात है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है, मतलब लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के थ्रू। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टिकल है सॉल्यूट सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जा चुका है, तो वो लाइट के पाथ को डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं कर पाता है, और लाइट का पाथ लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन के थ्रू। तो ये सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जहां तक बात है सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो सॉल्यूशन सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। मेटल्स के जो एलॉय हैं स्टूडेंट वो सॉलिड सॉल्यूशन है, एयर गैसियस सॉल्यूशन है, और वाटर प्लस शुगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा सॉल्यूशन के क्रॉसपॉन्डिंग, कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आई होप आप उस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, चूँकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।